बीच में अब आपके सामने लेकर आते हैं हम अपना पहला खास सेगमेंट और यह है ट्रेड का चौका। तो सबसे पहले रुख करेंगे संतोष जी का। संतोष जी बताइए, आज आपकी ट्रेडिंग पिक कौन सी है? मैंने दो कॉल से दोनों बैंक साइड स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट बना हुआ है मार्केट में। तो पहला मेरा जो स्टॉक है कॉनकोर है, पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम है। और स्टॉक की भी बात करें तो इसमें भी एक बहुत क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर और बन सकती है। यहाँ पर टारगेट रहेगा 975 का, स्टॉप लॉस रहेगा 940 का। दूसरा स्टॉक मेरा डिफेंस स्पेस से, आज हम डिफेंस स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम फिर से देख रहे हैं। पारस डिफेंस की बात करें तो इसके वजह से कल नतीजे आने वाले, और टेक्निकल चार्ट भी देखे तो हमको इसको वीकली टाइम फ्रेम में एक यहाँ पर इनवर्स एंडर फॉर्मेशन बनते नजर आ रहा है। वहीं डेली टाइम फ्रेम पे भी तो कंटिन्यूसली हायर हाईज हायर लोज बना रहा है, तो तेजी बन सकती है। यहाँ पर टारगेट रहेगा 840 का, स्टॉप लॉस रहेगा 808 का। तो कॉनकॉर और पारस डिफेंस में तेजी करने की सलाह। पारस डिफेंस आज भी 4% ऊपर है, यहाँ पर 840 के लक्ष्य के लिए आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। राहुल, आपके दो पिक्स कौन से होंगे? मेरे दो पिक्स भी लॉन्ग साइड में हैं। एक है इंडियन होटल्स और दूसरा है बीएल। इंडियन होटल्स में तो एक स्टेलर रैली देखने को ही मिला है पिछले कुछ महीनों से। अभी भी करंट फॉर्मेशन जो हुआ है एक ड्रॉप बेस्ड रैली का लॉन्ग साइड की तरफ इशारा करता है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा ₹500 पे और 565 और 585 का दो टारगेट रख सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन भी होता है स्टॉक का, तो एक अच्छा डिमांड जोन है, तो इसीलिए ये स्टॉक पे कन्विक्शन थोड़ा हाई है। सेकेंड स्टॉक है बीएल, जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की मैं बात करते आए हूँ। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 179 और टारगेट होगा 198। ठीक है। तो इंडियन होटल्स में तेजी करने की सलाह 565 के लक्ष्य के लिए, ये है सलाह राहुल की तरफ से।